हेलो वेलकम गाइस टू टॉप हेडी ग्रोथ इन इंडिया। भाई का ये कर रहा हूँ बायोटिन पीआरपी कोरियन ट्यूब से, कोरिया कंपनी का ट्यूब से। तो मैं ये वीडियो से मैसेज देना चाहता हूँ, जो देखो किसी का भी कोई दवा खाने से या लगाने से कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा है या हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एक बेटर ऑप्शन है बायोटिन पीआरपी, जिसमें नया बाल उगाता है, न्यू हेयर बेबी हेयर आता है, इसमें सब हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है बायोटिन पीआरपी से। तो एक बेटर ऑप्शन है पीआरपी, बायोटिन पीआरपी जीएफसी कर सकता है। दूसरी बात, जिसका कोई ओनियन ऑयल, आदिवासी ऑयल ये सब लगाता है, इसमें कोई हेयर नहीं आता है, ये ऑयल ट्वाइल से कुछ हेयर नहीं आता है, इसके लिए साइंस अलग है, हेयर के लिए साइंस अलग है। तो ये मैं वीडियो कर रहा है, वीडियो से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, देखो ट्रीटमेंट सडनली कोई मत छोड़ो, ठीक है। और मेडिकल्स जो हेयर का ट्राइकोलॉजी का रूल्स होता है, स्कैल्प के लिए एक एडुकेशन लाइन है और एडुकेशनल प्रपोजल है, अपना माइंड को स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, टेंशन फ्री रहेगा माइंड और हैप्पीनेस मुंह में रहेगा तभी माइंड में आएगा। इसके लिए अपना डिप्रेशन लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, कभी कभी विदाउट च्युइंग मतलब च्युइंगम चिबाना होगा, जैसे स्ट्रेस रिलीफ हो उससे उस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे स्ट्रेस को अपना स्ट्रेस डिप्रेशन टेंशन हेडेक है वो सबको हटाने के लिए आपका कुछ डेली वाला रूटीन अप्लाई करना पड़ेगा। और सिर्फ खाने का लगाने का दवा ऐसे नहीं होगा और ये करने से भी नहीं होगा, माइंड को सबसे बड़ा क्या हार्मोन डिसबैलेंस होता है स्ट्रेस से, तो इसको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा तभी आपका हेयर होगा। दूसरी बात, हेयर होने के बाद ये वाला ऊट का डर्मा रोलर कभी मत छोड़ो, ये हमारा लाइफ टाइम रहेगा, छोड़ेगा मत कभी। ट्रीटमेंट सडनली छोड़ेगा तो हेयर फॉल होगा, शायद ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना है, लगाना है, खाना है, जिसको भी हेयर चाहिए अपना कॉन्फिडेंस रहना रहेगा, स्टाइल रहेगा लाइफ में, तो ये ट्रीटमेंट कभी भी सडनली छोड़ो मत यार, लेकिन हेयर फॉल होगा मेरे भाई, सुन लो। तो मैं ये वीडियो से मैसेज देना चाहता हूँ, भाई का हेयर फॉल बहुत सारा हो रहा है, इसलिए वो खाने का लगाने का दवा के बाद भी ये बायोटिन पीआरपी कर रहा है, जिसमें इसका ग्रोथ बूस्ट हो और कॉन्फिडेंट रिटर्न आ जाएगा, ये जो डेंसिटी है पूरा कम गया है, ये बायोटिन पीआरपी करने से वो दवा खाए ना खाए भूल जाए, न्यूट्रिशन स्कैल्प के अंदर चल गए डायरेक्ट डायरेक्ट और हेयर वापस आ जाएगा इसका। सो फाइनली मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आदिवासी ऑयल, ओनियन ऑयल और घर बैठे ट्रीटमेंट करेगा तो नहीं होगा, इधर आना पड़ेगा, रूट कॉज से लेकर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ, और ये मैंने कर दिया दादा का बायोटिन पीआरपी। तो मैं वीडियो से फाइनली मैसेज देना चाहता हूँ, जो अपना हेडेक, टेंशन, डिप्रेशन इससे बचे रहे, माइंड को चिल रखे, सेंटर फूड यूज करे, मिष्टी पान खा सकता है आप, माइंड को जैसे हम डीएसटी ब्लॉक होगा वैसे काम कीजिए, ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन आए और मुंह में हैप्पीनेस स्माइल रखो, तभी आपका पॉजिटिव माइंड रहेगा, तभी आपका हेयर होगा। ये खाने लगाने का दवा से पीआरपी से भी नहीं होगा, माइंड में स्ट्रेस और डिप्रेशन टेंशन रहेगा, तो अपना टेंशन फ्री लाइफ रखो और मेडिसिन जो भी खा रहा है और सीरम जो भी अप्लाई कर रहा है ना, वो सब अच्छा वाला कीजिए। मेरा पास ब्रांडेड और रिसर्च प्रोडक्ट है, साइंस फॉर हेयर, नॉट फॉर मैजिक, हम कोई बाबा नहीं है, ठीक है। तो साइंस फॉर हेयर ये मैं बोलना चाहता हूँ, तो मेरे इधर आना पड़ेगा, रूट कॉज देखना पड़ेगा, क्या कंडीशन, क्या रीजन है, तभी आपका हेयर होगा। तो इस वीडियो देखकर ज्यादातर शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपना फ्रेंड को शेयर कीजिए जिसको भी हेयर की जरूरत है, और अपना कमेंट में अपना प्रॉब्लम को बात बोल सकता है। सो थैंक यू छोटा वीडियो करने के लिए।